निकल जाएगा निकल हाँ जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा, मत रो, नहीं हो गया हो गया हो गया। तो चलिए दिखा रहे हैं कि कान हम लोग कैसे साफ करते हैं गांव में, और बिल्कुल एकदम मजे हुए किसी डॉक्टर चिकित्सक के जैसे हमारी धर्मपत्नी जी कान साफ करती हैं, और इनको पुराना अनुभव है कान साफ करने का, किसी तरह का कोई भी इसमें खतरा नहीं है, इसमें रिस्क नहीं है, कोई जोखिम नहीं है, बिल्कुल इन्हें कान साफ करने का, कान का जो मैल होता है वैक्स निकालने का बहुत ही सटीक अंदाज है। तो हम लोग गांव में आज भी परंपरागत तरीके से कानों की सफाई करते हैं। कानों तिल्ले जैसे गए दिखतो ना खे ना निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा, मत रो, नहीं हो गया हो गया हो गया। नहीं जाने आएगी देबो जखम का है जे घाव क्या हो गया अंदर? पता नहीं पूरा काला काला दिख रहा है। रुक रुको रुको रुको, लड़ रहा है सूखल है तेल डालना पड़ेगा सूखा हुआ है, सूखा हुआ। तो हम लोग मस्टर्ड ऑयल तेल से भी साफ करने की सोचेंगे, तेल डालिएगा देख रहा है नहीं निकल रहा इतना काला है जखम है कि का है दुखाओ बेटा तब ना? तेल डाल फूलतो तो निकलतो सूखल है एकदम देख एकदम काला है बहुत सारा है देखिए तो लाइट वो जला के देखिए इसका नहीं दिख रहा है देखिए, हम लोग सरसों का तेल लाए हैं, और सरसों का तेल डालकर प्रज्ञा की होगी कान की सफाई। गांव में आज भी हम लोग पुराने परंपरागत रूप से देसी तरीके से कान की सफाई करते हैं, हालांकि इससे कोई जोखिम नहीं है, नुकसान नहीं है, लेकिन आप लोग इसे घर पर ट्राई नहीं कीजिएगा तो ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लोग अपने अनुभव है, हमारे दादाजी हमारे माता जी पुराने अंदाज में इसी तरह पुराने तरीके से कान की सफाई करते थे देसी तरीके से। ये सरसों का तेल है मस्टर्ड ऑयल, पहले कान में हम डाल लेंगे, अच्छी तरह से कान को भिगो लेंगे सरसों के तेल से। इसमें कितना बूंद सरसों का तेल डाल रहे हैं? डाल रहे 4-5 बूंद चार पांच बूंद। फूलेगा तब ना बहुत अंदर है काम तो बंद है उसको नो तो कुछ ही बही रहे तो दिनों पर हाँ एक घंटे है तो ले कपड़ा रख दीजिए तो कम चाहिए खींच दे भाई कमा तीर ले थे छमे खिलाई दे मरे दूध चमेटा ही कर लगे थे दूसरा तो नहीं था बहुत होती बरती बुझाए एकदम जाम ही का ना पूरा है भरल है तो एक डॉक्टर भी निकलवाए पड़ते था देखिए देखे बाबू निकला, बाबू देखिए निकला, इतना सारा था ना, इतना सारा था, क्या निकल गया। अपने से निकाल ले रहे हैं और हमरा से डरा रहे थे वो हो कर रहे थे निकला
देखे निकला बाबू निकला है। दे दो मामी को दे दो। बंद है बिली बंद है रोज तेल डाल पुल का तो मुंह को 10 साल के अब है। चलिए तो कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत जो भी निकला, लेकिन प्रेरणा प्रज्ञा का निकल चुका है। नहीं है पूरा ना, अभी पूरा नहीं निकला लेकिन आधा निकल गया है। कल निकालेंगे और बाकी कल निकालेंगे। धो के 3 बजे रख।